जिला सिरमौर में आयुष्मान भव योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा आभा आईडी बनाने का कार्य लगातार जारी है। बता दें कि भविष्य में स्वास्थ्य विभाग की सभी योजनाओं का लाभ इसी विशेष आईडी के तहत मिल पाएगा, साथ ही लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं लेने में भी आसानी होगी। इसी को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि जिला सिरमौर में अभी तक 63% का कार्य पूरा हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर भी लोगों के आभा आईडी बना रहे हैं। आभा आईडीज बन रही हैं, 63% लोगों को हम कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारा रास्ता बाकी है उसको पूरा करने के लिए। इसमें दो तीन मुख्य समस्याएं जो हमें आ रही हैं, एक तो लोगों के आधार जो है वो लिंक नहीं है अपने मोबाइल फ़ोन के साथ, तो ओटीपी वो नहीं दे पाते। दूसरा, बार बार जागरूक करने के बावजूद भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आभा कार्ड का कोई उनको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में आभा कार्ड जो है वो एक बड़ा आवश्यक कार्ड हो जाएगा। हर स्वास्थ्य सुविधा के लिए आभा कार्ड की, आभा आईडी की आवश्यकता होगी। आपके सभी टेस्ट, एक्सरेज की रिपोर्ट्स, सीटी की रिपोर्ट्स, आपकी प्रिस्क्रिप्शंस, आने वाले समय में सभी की सभी आपके आभा आईडी के जरिए हमेशा के लिए आपके पास सुरक्षित हो जाएंगी। हमारे आशा इनको बना रही हैं, बीच में हमारे वर्कर्स भी इसको बना रहे हैं, और लोग इस आभा आईडी को इंटरनेट पे जाके, आप आभा, सिर्फ आभा आईडी भी टाइप करिए, उसके बाद भी आपको वो सारा कुछ अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनिंग मिलता जाता है और आप अपनी आभा आईडी अपने आप बना सकते हो। गौरतलब है कि आयुष्मान भव योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा आभा आईडी बनाने का कार्य जारी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्य कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।